सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया की ओर से, और हम लोग यहां से जा रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी से। आज आपको पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का सफ़र तय कराएंगे, बैंड्रा तक का सफ़र। और ये है यहां पर राइट साइड में यशोधाम स्कूल, और यहां से अब हम आगे निकल रहे हैं दोस्तों। ये है ओबेराय इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें कि फिल्मी सितारों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ की बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, गगन चुमती इमारतों को बहुत ही खूबसूरत बनाया है ओबेराय बिल्डर्स ने यहाँ पर गोरेगांव ईस्ट, इसीलिए अपने आप में बहुत ही पॉश एरिया हो चुका है। और यहाँ पर ज़्यादातर फिल्मी कलाकार यहीं पर रहते हैं गोरेगांव ईस्ट में दोस्तों। और अब हम यहां से आपको आगे लिए चल रहे हैं। यहां बहुत ही खूबसूरत और प्योर ऑक्सीजन यहां पर मिलती है, क्योंकि आरे बिल्कुल पास में ही है दोस्तों। और ये हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। अगर आप राइट साइड में चले जाते हैं तो दिल्ली अहमदाबाद चले जाते हैं, और इधर ये लेफ्ट में मुड़ते हैं तो सीधा बैंड्रा तक ये आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लेकर जाएगा। और इस दौरान बीच बीच में कौन कौन सी जगह आएगी, वो सारी बातें, उन सारी जगहों को हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल हम लोग हैं गोरेगांव चेकनाके ब्रिज के ऊपर। ये गोरेगांव का चेकनाके का ब्रिज है, इसके नीचे से अगर आप राइट में जाते हैं तो सीधे गोरेगांव स्टेशन ईस्ट में पहुंच सकते हैं आप लोग। और ये लेफ्ट में पूरा आरे है, ये ग्रीनरी, ये लेफ्ट में पूरा आरे बसा हुआ है दोस्तों। और यहाँ से अब हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं आपको यहीं से आगे। इसके बाद में दोस्तों जोगेश्वरी शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो ये गोरेगांव ही है, और ये राइट साइड में दोस्तों ये हब मॉल थिएटर है, और फिल्में भी बहुत जल्द ही शुरू हो जाएंगी यूपी में, और किन किन राज्यों में तो स्टार्टिंग हो चुकी है फिल्मों की। और ये हम लोग अब आपको लेकर जा रहे हैं बैंड्रा की ओर। बैंड्रा यहाँ से करीबन दोस्तों 15 किलोमीटर पड़ता है, और ये जो फ्लाईओवर है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं ये जय कोच, इसके ये जोगेश्वरी में आता है दोस्तों। जोगेश्वरी में ये भी राइट साइड में आप कॉल सेंटर का ऑफिस देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कॉल सेंटर्स के ऑफिसेस बने हुए हैं। यहाँ पर ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं। और ये दोस्तों लेफ्ट में जो ये बिल्डिंग आ रही है, कांच की बिल्डिंग जो आ रही है, यहाँ पर सुपर बाइक्स के ऑफिसेस हैं, और यहाँ पर मारुति सुजुकी हुआ, ट्रम्प हुआ, कावासाकी सुपर बाइक्स अगर आपको परचेज करनी है तो ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ही स्थित है। ये जोगेश्वरी में पड़ता है दोस्तों, ईस्ट में, जोगेश्वरी ईस्ट में अगर आपको सुपर बाइक लेनी है, कावासाकी, ये ट्रम्प, या फिर और भी दूसरी सुपर बाइक लेनी है तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं अंधेरी फ्लाईओवर के ऊपर दोस्तों। यहीं पर राइट साइड में नटराज स्टूडियो स्थित है, और ये सामने जो आप ये मेट्रो का ब्रिज देख रहे हैं, और राइट साइड में आप ये नटराज का ही बिल्डिंग है, जो ग्लास की बिल्डिंग राइट साइड में है। एक समय में यहाँ पर ये नटराज स्टूडियो हुआ करता था, अब यहाँ पर ये रुस्तम जी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है। और यहीं पर ये मेट्रो का ये मरोल का स्टॉपेज है, यहाँ से आप वर्सोवा जा सकते हैं और घाटकोपर तक का सफ़र तय कर सकते हैं दोस्तों। और ये राइट साइड में वाईकॉम 18, दुनिया की मिलेनियम कंपनी, जिसे कि बिग बॉस पेश करता है दोस्तों। वाईकॉम 18 का ये ऑफिस आपने राइट साइड में देखा, ये कांच की बिल्डिंग। और अब हम अंधेरी ब्रिज जो है उतर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट में ये इंटरनेशनल T2 टर्मिनल के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रास्ता ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट में रास्ता गया हुआ है।
ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से प्रख्यात है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर ये लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इस जगह को, और जो एलिवेटेड रोड है पूरा, एक भी सिग्नल नहीं है। आने और जाने के लिए आप मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आप T2 टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और अब हम आपको ये दिखा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट। दोस्तों ये लेफ्ट में सहारा होटल है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास में ही। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए अगर आपको बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और अपने किसी भी सिटी में जाना है तो यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट को आप पकड़कर आप जा सकते हैं। और अगर आपको विदेश जाना है तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। दोनों का रनवे एक ही है, दो रनवे है दोस्तों यहाँ पर। और ये पूरी जो लेफ्ट साइड में ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की ही पूरी जगह है, और यहीं से टेक ऑफ होते हैं जितने भी प्लेन हैं। और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सांता क्रूज। सांता क्रूज में दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी है जो कि कलीना के नाम से जानी जाती है, कलीना में है। मुंबई यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही फेमस है। और ये लेफ्ट साइड में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से आप बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। और अब हम लोग बस जल्द ही बांद्रा पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। अगर आप गोरेगांव से बांद्रा तक जाना चाहते हैं बाइक से, अगर आप जाना चाहते हैं और ट्रैफिक नहीं है, तो मात्र 20 मिनट में आप बांद्रा पहुंच सकते हैं। तो ये लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं बांद्रा। यहाँ पर बड़े बड़े होल्डिंग्स इस ब्रिज के ऊपर इतने खूबसूरत लगते हैं कि वाकई बयान नहीं किया जा सकता। और ये हिंदुस्तान की शान आपको सामने नजर आ रही है दोस्तों, बांद्रा वर्ली सीलिंग जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके वीडियो हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में डाल रखे हैं। उसके ऊपर से सफ़र आप भी तय कर सकते हैं। उन वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद उसके ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं। और ये ब्रिज देखिए बांद्रा का कितना खूबसूरत है, वाकई ही मज़ा आ जाता है यहाँ पर। जब भी बाइक राइडर्स आते हैं संडे के रोज़, यहाँ पर जमावड़ा लग जाता है सुपर बाइक्स का। और ये अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये लेफ्ट में आप देखेंगे बांद्रा में लव मुंबई यहाँ पर लिखा हुआ है। संडे के रोज, 15 अगस्त के रोज सुपर बाइक का यहाँ पर तांता लगा रहता है दोस्तों। और अगर आपको राइडिंग का शौक है तो आप सीधा इस रोड पर आ जाइए और बहुत ही खुला महसूस करेंगे। ट्रैफिक भी कम मिलता है, शूटिंग भी यहाँ पर ज़्यादातर होती है, स्पेशल परमिशन लेकर शूटिंग की जाती है मुंबई में। और ये अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बांद्रा के अंदर। और ये बांद्रा सीलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट अगर आप चले जाएंगे तो सीधे हाजी अली और वर्ली डेयरी के उधर निकल सकते हैं। और फिलहाल आपको हम लोग लेकर जा रहे हैं बांद्रा के अंदर, और हम लोग आपको दिखाएंगे महबूब स्टूडियो कहां पर स्थित है। महबूब स्टूडियो सलमान खान के घर से मात्र, ये समझ लीजिए, अगर आप पैदल चलकर अगर आप जाएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सलमान खान के घर पहुंच सकते हैं महबूब स्टूडियो से। ये लीलावती हॉस्पिटल, ये लेफ्ट में आप देख सकते हैं लीलावती हॉस्पिटल दोस्तों, ना जाने कितने कलाकारों की जाने बचा चुका है ये, और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। और ये सामने मुंबई एजुकेशनल जो ट्रस्ट है, यहाँ पर शिक्षा का जो है अध्ययन की पढ़ाई कराई जाती है दोस्तों, एजुकेशन दी जाती है। और हम यहां से अब जल्द ही पहुंचने वाले हैं महबूब स्टूडियो। जी हां दोस्तों, आगे राइट लेके बस हम लोग ये चौराहे से ये टर्न किया, और ये आप देख सकते हैं ये है महबूब स्टूडियो।
जी हाँ दोस्तों, ये बैंड्रा वेस्ट में स्थित है महबूब स्टूडियो, और बहुत ही पुराना स्टूडियो है। आपने एक ज़माने में मुगले आज़म फिल्म देखी होगी, ये इन्होंने ही बनाई थी दोस्तों। और ये यहाँ पर ये माउंट मैरी की ये सीढ़ियाँ हैं, इस पर भी देखिए आप ये शूटिंग कर रहे हैं लोग। और हम लोग पहुँच चुके हैं माउंट मैरी चर्च। प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर ये पास में है आपके तो सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए और ईश्वर के करीब रहिए। किसी भी रूप में वो आपको वो कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए हमेशा उसके करीब रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही ऐसे ही एक और अद्भुत सफर के और